सर यूपी से आता हूँ। डॉक्टर सुशील गौतम के साथ मैं काफ़ी वर्ष से सोशल मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो पिछले कई वर्षों से चाहे रोहित जाटव हत्याकांड हो, चाहे 10% को लेकर के हमने प्रोटेस्ट किया हो, 60% को लेकर के प्रोटेस्ट किया हो, और चाहे ये वाला प्रोटेस्ट हो, इस प्रोटेस्ट 13 पॉइंट रोस्टर वाला प्रोटेस्ट हो, इन सभी में हम साथ रहे हैं। तो पिछले 3 वर्षों से योगी जी की सरकार वहाँ पे रही है, जिस भी प्रोटेस्ट के लिए हमने कोई उनसे ये कहा है कि हमें परमिशन दीजिए, कुछ परमिशन तो खैर मिलती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग 2 या 3 दिन पहले ही हमारे साथ में परिवार वालों के साथ में पुलिस बदतमीजी करती है या पुलिस पहले पहुँच जाती है हमारे ऑफिस में, घर में, वहाँ से पहले उठा लेती है, कोई भी प्रोटेस्ट हमें करने नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी या मोदी जी, ये देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। और दूसरा ये है कि ये लोकतांत्रिक देश है, हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हमने बाबा साहब को पढ़ा है, संविधान को माना है, क्योंकि हम कोई गुंडे नहीं हैं, मवाली नहीं हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और हमें अपने अधिकारों को लड़ना आता है, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, किसी एक कास्ट को आप टारगेट ना बनाएं, और लड़ने का अधिकार सभी को है, अपने लड़ने के लिए अधिकार सभी को है। तो बस यही गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक जाटव है और हम सब सामाजिक काम कर रहे हैं बड़े भाई डॉक्टर सुशील गौतम जी के साथ में। आज जो वर्तमान जो स्थिति है, जो फांसीवाद उत्तर प्रदेश तमाम पूरे देश में आया हुआ है, देश में जो ये फांसीवाद व्यवस्था हमारे जो तमाम तबकों के विपरीत में लाई गई है, जैसे कि आज CAA जब बिल लाया गया है उसके विरोध में तमाम देश में प्रदर्शन चल रहा है। ये जो बिल है, जो ये लाया गया है, इसके विरोध में हमने यूनिवर्सिटी CCC यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पर माल्यार्पण करी, उसके बाद इस बिल को, काले बिल को हमने जलाया, उसके बाद बड़े भाई डॉक्टर सुशील गौतम जी के घर पर पुलिस ने छापा मारा, पिताजी को अरेस्ट कर लिया, और हमारे भी परिवार को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। रोज पुलिस वाले घर जाते हैं कि आप अपने लड़के को लाइए। क्या जो देश में हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, आज उसे छीनने का काम किया जा रहा है, इसको देख के ऐसा लगता है देश में जो तानाशाह चल रहा है, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ऐसा लगता है संविधान तो बस दिखावे के लिए रह गया, क्योंकि ये जो बिल इन्होंने लाया गया है, ये काला कानून, ये बिल तमाम तबकों के विरोध में। आज इसमें आप देखेंगे, इसमें जो 6 लाख तो मुस्लिम लोग हैं और 13 लाख इसमें SST OBC और जनरल कैटेगरी भी हैं। आज ये क्या है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये सपना देख रही है बीजेपी गवर्नमेंट, ये क्या चाहती है? क्योंकि जो संवैधानिक लाभ है हमारा, संवैधानिक लाभ हमें SC ST OBC वर्ग के आधार पर मिलता है, मगर जो ये तानाशाह सरकार है, ये चाहती है SC ST OBC का कॉलम खत्म करके उसमें हिंदू धर्म के आधार पर कॉलम बनाया जाए। तो हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हमें हमारे पुरखे हमें संवैधानिक लाभ दे के गए हैं, अधिकार दे के गए हैं, हम उन अधिकारों को ऐसे छीनने नहीं देंगे। उसके लिए क्या हमें रोड पर आना पड़े, हमें घर घर जाकर लोगों को कन्वेंस करना पड़े, हमें तमाम प्रक्रियाओं को बताना पड़े? ऐसा नहीं है कि हम पीछे के मुद्दे भी भूल गए, हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि देश में एक बड़ा तबका भी है जो अशिक्षित है, जिनको इतनी जानकारी नहीं है देश में क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम सब एक समूह बनाकर पूरे देश में एक कॉल देंगे, उसके लिए हम लोगों को जन जागरण करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे बहुत जल्द। SC ST डाइल्यूशन पर जो आंदोलन 2 अप्रैल को हुआ था, उसके सेम सिम्टम्स आप इस आंदोलन रही CAA के विरोध में भी जो देखेंगे, वो CAA के विरोध में भी आपको सेम सिम्टम्स मिलेंगे। उसमें भी प्रदर्शनकारी मरे और इसमें भी प्रदर्शनकारी मर रहे हैं। यूपी में मरे, मेरठ में भी वहां पर रोहित जाटव नाम का एक लड़का मरा था जिसको पुलिस ने गोली मारी थी, और उसकी और उसके वहां पर भी माइनर बच्चों को जेल में डाला गया था
और उसकी स्टोरी भी प्रशांत कन्नौजिया भाई जब ये दी वायर में होते थे इन्होंने करी थी और बहुत सारे न्यूज चैनल उन्होंने की थी वो स्टोरी। और जैसे कि अभी भाई ने बताया, साथी ने बताया कि यहाँ पर भी माइनर को कैसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सेम सिम्टम्स आप ये देखिए। और पिछले सरकार का जो आप कार्य प्रणाली देखेंगे वो एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के खिलाफ जो एक्ट आ रहे हैं वो लगभग सब सेम आ रहे हैं। तो चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, एस सी एस टी एक्ट हो, तो उसमें एस सी एस टी ओबीसी या ये सी ए का बिल हो तो ये सी ए का एक्ट हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सीए का कि मुस्लिम को ही टारगेट किया जाएगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि उसमें भी सेक्शनाइज किया जाएगा बाद में कि कौन कौन हमारे लोग विरोधी हैं और किन किन की सिटीजनशिप खत्म की जानी है। जिस तरीके से आप आज हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड तो होता है लेकिन हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो वो जो हम एनआरसी जो आएगा, एनआरसी इसके बाद जो आएगा और उसकी प्रक्रिया के बारे में बोल चुकी है सरकार कि एनआरसी जब लागू होगा तो आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके आप पर कौन से कागज हैं, और वो कागज के लिए आप सिटीजनशिप के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा और आपको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा। तो वो खर्चा जो लगातार जो सरकार कर रही है, चाहे नोटबंदी के बाद, चाहे जीएसटी के बाद, अब ये वाला मुद्दा है, तो देश किस स्थिति में जा रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि देश लगातार अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है और वो लगातार देश जो गिर रहा है उसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से इसको किसी को नुकसान नहीं था, रिलीजियस नहीं था, तो डिटेंशन सेंटर किस लिए बनाए जा रहे हैं, जेल में किस लिए बनाए जा रहे हैं, उनमें किन आदमियों को रखा जाएगा, तो पूरे एक बन चुकी है, 10 और बनाई जानी है। तो सरकार की भावना को हमें समझना पड़ेगा कि किस कौन कौन से सेक्शन जो उनके हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, फांसीवाद के रास्ते को प्रोजेक्ट को जो रोकना चाहते हैं, और लगभग यहाँ पर मनुस्मृति का जो लॉ लागू करना, जो लागू नहीं होने देना चाहते, उनकी स्थिति इस देश में क्या होने वाली है। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूंगा आप सभी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप जिन्हें सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं सवाल। आपके साथ किस तरीके का है, फिर आपके परिवार के साथ किस, क्योंकि आपने बताया नहीं कि हुआ क्या है आपके परिवार। दरअसल ये जो सीएए जो बिल आया है इस पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गौतम जी प्रोटेस्ट की उन्होंने कॉल दी थी फेसबुक पे, लेकिन उससे पहले इन्हें उठा लिया गया था। शाम को 5 बजे की कॉल थी, सुबह 11-12 बजे ने उठा लिया गया था, क्योंकि पुलिस सब इनके घर पे पहुंच गई थी, और उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 3 दिन हमने इनकी रिहाई के लिए चक्कर वक्कर लगाए, थोड़ा रिहाई करवाई, उसके आने के बाद इन्होंने फिर इन्हें हमने मिलकर सभी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण की, उसके बाद इस काले कानून का विरोध करने के लिए उसकी कृति जलाई। उसके 10 मिनट के तुरंत बाद तुरंत वहां पर पुलिस आती है, उससे जला करके हम वहां से निकल गए थे हम लोग। पुलिस आती है, पुलिस सीधा डॉक्टर साहब के घर पहुंचती है, हमारे घर पहुंचती है, क्योंकि मेरी वाइफ घर पे थी, उन्हें वहां पे परेशान किया गया कि कहां पे है, दीपक मेरे साथ हैं, इनके घर पे लगभग 1 घंटे बाद जब इनके घर का पता लगा तो वहां पे पहुंची। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब के पिताजी को वहां से उठा कर ले गए और रात को क्या सुबह के टाइम ही छोड़ा है उन्हें, पूरी रात बिठा के रखा है वहाँ पे, परेशान किया और सभी पे कॉल करवाई है, घर वालों पे भी कि आप उन पे प्रेशर डालिए। और इससे पहले भी चाहे रोहित जाटा वाला केस हो, और एक केस और बीच में हुआ था 60% का जो फेलोशिप जो खत्म की थी उस पर भी हमने कहा था, उस पर भी 3-3 2-2 दिन पहले ही पुलिस हम पे नजर रखती है, उठाती है और परेशान करती है। रोहित जाटा वाले केस में मारपीट हुई है, उसमें हमने जिस दिन फिर करीब दलित पंचायत की थी, हमने उससे पहले भी मतलब कई बार प्रोटेस्ट कर चुके थे, लेकिन फिर दलित महापंचायत की हमने कॉल की, उसमें लगभग 5,000 लोग वहां पर शामिल भी हुए थे, लेकिन उस दिन पूरे मेरठ में सहारनपुर गाजियाबाद की पुलिस की वहां पर आई थी और बड़ा वो था, वहां पे गिरफ्तारी हुई, 6 घंटे हमें लगभग रखा गया अंदर,
और मारपीट भी हमारे साथ में हुई, वहीं से ले जाते घसीटते तो हुए वो लोग ले गए थे, 6 घंटे के बाद लगभग हमें छोड़ा। और आप जी आपके परिवार को किस तरीके से जैसे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गौतम जी के पिताजी को उठा लिया था और प्रेशर दे रहे थे कि इनको बुलाइए, उनको मालूम है कि हम भी प्रोटेस्ट में साथ ही रहते हैं, तो वो पुलिस वाले हमारे घर पर गए और हमारे मम्मी पापा से हमारा नंबर लिया और कहा कि इसे फ़ोन मिलाओ अपने लड़के को और कहा कि इसे बुलाइए किसी भी बहाने से, प्रेशर दे के घर में ये प्रॉब्लम है। हम समझ गए थे क्योंकि हमारे पड़ोस में ही भाई हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आपके घर पर पुलिस आई, इसी वजह से हम नहीं गए। हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर, फिर हमारे पास फ़ोन आया, काफ़ी बार फ़ोन आ चुका है, थाने से नाम बदल बदल के फ़ोन करते हैं, इसी वजह से मैंने अभी फ्लाइट मोड पर फ़ोन अपना लगा रखा है। तो आपको डर क्या है कि भैया को जो उठा के ले गई थी, तुम्हारे भैया को उठा के ले गई? दरअसल अभी हमने पिछली बार एक लड़का मार दिया था, रोहित नाम का समाज का था, उस लड़के को कुछ ठाकुर लोगों ने मार दिया था जातिवादी मानसिकता के तहत, तो वो लड़के के लिए हमने आंदोलन किया, एक बड़ा आंदोलन किया न्याय के लिए। तो उसमें क्या होता है, हमने एक दलित पंचायत बुलाई, उसमें हमने जब कॉल दी थी एक फर्स्ट करी, उसमें हमारा आंदोलन में पुलिस ने बाधा डाली, फिर हमने नेक्स्ट समय की कॉल दी अल्टीमेटम देते हुए प्रशासन को कि उन्हें गिरफ्तार कर दिया, हमने नेक्स्ट कॉल में हमारे लिए हमें पुलिस ने अरेस्ट करा। और क्या है, क्योंकि दिक्कत ये थी कि पुलिस वाले नहीं चाहते कि हम वहाँ पर कोई भी आंदोलन करें, तमाम काफ़ी लंबे समय से पुलिस वाले हम पर नज़र बनाए हुए हैं, LIU हमारे बारे में पूछताछ करती है, IB हमारे बारे में पूछताछ करती है, तो काफ़ी समय से हमें परेशान करते हैं। तब परेशानी इस चीज की है क्योंकि हम कभी भी कॉल देते हैं जो तमाम देर गांव से लोग आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, उनके दूर कुछ दूरी पर ही उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती। भैया को जो उठाया था मैंने एक पोस्ट करी थी, उस पोस्ट में क्या था, मैंने उसमें किसी विशेष धर्म को मतलब कि मैंने जन्माष्टमी के दिन एक पोस्ट करी थी, वो जबकि कम से कम 200-250 लोगों ने मेरे से पहले कर रखी थी, हर साल होती है, जबकि उस पोस्ट को कृष्ण जी की पोस्ट है उसे रवि शर्मा नाम के व्यक्ति ने पहले बनाया था, बनाई थी वो पेंटिंग, वो मैंने डाली, मेरे परिवार को पुलिस प्रशासन ने ठा लिया, शाम तक रखा, हिंदू संगठन मेरे लिए थाने पहुंचे रोली भर भर के कि इनको अरेस्ट करी। मैं अपने घर नहीं था, मैं बाहर था, तो पुलिस वालों ने मेरे घर परिवार के साथ साथ बदतमीजी भी करी, ऐसा शब्द भी बोले, कुछ जाति सूचक शब्द भी बोले, पुलिस वालों पर प्रेशर पड़ा, जो मैंने बड़े भाई साहब को बताया सुशील गौतम जी को, उन्होंने कहीं से फोन ऑन कराए, क्योंकि ये असंवैधानिक लोग ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमें संविधान के तहत मौलिक अधिकार है कि हम आज़ादी से अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान के तहत बोलने की आज़ादी मिली है, आज वो आज़ादी हमारी ख़त्म कर दी गई पूरे देश में आप देखो, क्योंकि जातिवाद को देखते हुए धर्मवाद को देखते हुए आज जो SC कम्युनिटी है वो जातिवाद तो झेल ही रही है, आज उसे धर्मवाद को भी झेलना पड़ रहा है, जो इस देश में विशेष वर्ग के लोग हैं जो इस देश में चाहते हैं कि कट्टरपंथी आए, इस बात को तो हम भी जानते हैं कि कट्टरपंथी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, कट्टरपंथी कभी भी फैलती नहीं, पहली बात तो ये, क्योंकि कट्टरपंथी हमेशा सुखड़ती है, उसका भी अंत आना है। आज जो चीजें चल रही है देश में शासन प्रशासन में, आज जो प्रशासन जो होता था प्रशासन की कोई जाति नहीं होती, वर्दी की कोई जाति नहीं होती, मगर आज प्रेजेंट में आप देखेंगे वर्दियों में भी जातियां देखने को मिल रही है, जातिवाद देखने को मिल रहा है, जब SC ST एक्ट के लिए दलित समाज घरों से बाहर निकला तो उन्हें जातिवाद के जाति मानसिकता के तहत उन्हें मारा गया, पीटा गया,
नाबालिग बच्चों को बालिग जेल में रखा गया, 6-6 महीने बच्चे जेल में रहे, काफी बदतमीजी हुई उनके साथ, बहुत पीटा। क्या बनता है ऐसे होता है कि एजुकेशन पर रखा जाता है कि आप कोई वॉयलेंस ना कर, मतलब वॉयलेंस से प्रिवेंटिव कस्टडी, हाँ तो प्रिवेंटिव कस्टडी पर रखा जाता है, लेकिन वो आपकी जमानत वो सेम डे और सेम उस पर हो जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कि उस 151 में प्रिवेंशन में रखा जाता है, लेकिन 151 में सीधा जेल भेजा जा रहा है, 2-2 लाख के 2 बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं। अब ये पहली बार यूपी के अंदर हो रहा है, कभी उससे पहले मैंने कोई घटना नहीं, और 14-14 दिन के भी आपको रिमांड में भेजा जा रहा है जेल में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जाए। अब 14 दिन का 151 ऐसे होती थी कि प्रिवेंशन में रखा जाता था कि कोई वायलेंस ना हो सके, इससे कोई हार्मफुल ना हो सके, कि कोई चीज रुक जाए, लेकिन अब जेल भेजा जा रहा है 151 में भी जेल भेजा जाएगा, तो फिर कैसे काम, किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। और 3 दिन में 14 दिन के रिमांड में मेरे साथी पर एक जो मैं बताना भूल गया कि बाबा खदोनी को जिनने रात को उठाया उन पर वो इसी प्रोटेस्ट में मेरे साथ थे और उनका भी था साथ में, और उन पर 151 में नहीं भेजा गया, उनको भेजा गया है 1 दिन पहले रजिस्टर्ड उन पर केस दिखाकर करा गया है रंगदारी का। तो आप किस तरीके से लोगों पर केस अलग अलग सेक्शन में लगाकर भेजा जा रहा है, और ये भी उसमें मेजर चीजें आ रही है यूपी का। नहीं मैं, हमारा अभी जो है आंध्र प्रदेश में भी हमने शुरू किया है, और वेस्ट यूपी में तो लगभग वेस्ट यूपी में बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी और बरेली, मुरादाबाद, और ये वेस्ट यूपी का अभी हमने शुरू किया है। ये जैसे दीपक जी बोल रहे थे कि हम बड़ा कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो कब होगा? देखिए बड़ा प्रोटेस्ट का मतलब हमारा ये है कि जो मनुस्मृति, जो दलित समाज इस चीज को बिल को जो देख रहा है और वो होने नहीं देगा, तो हम आगे जो है सभी अम्बेडकर भवनों में इस बिल को हम जलवाएंगे। एक सांकेतिक है, इसको हम सभी अम्बेडकर भवनों में यूपी में और पूरे देश में हम खोल देने वाले हैं कि इस बिल के विरोध में सभी दलितों को, दलित समाज को उतरना है, और क्योंकि ये धर्म के आधार पर है और अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो बड़ा कॉल है, बड़े कॉल दिए जा रहे हैं, और उसमें भी यूपी में क्या करना है वो हम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से जाने के बाद बताएंगे। बॉन्ड में क्या भरवाया गया? क्या? 2 लाख का प्रॉपर्टी का आपका देख, 2 लाख के दो दो वो भरवा रहे हैं कि गारंटर भरवा दे कि आगे कोई चीजें ये इस तरीके की ना करें, है ना, नहीं तो आपकी 2 लाख आपसे वसूले जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।